चांद के आने से पहले सुमुल ने इस तरीके से जगाया है अंकित को। चलिए आप लोगों को बताते हैं बिग बॉस 16 के घर से जुड़ी हुई ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द जो है अभी वीकेंड के वार की शूटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। शूटिंग में क्या सब चीजें हो रही है, किसको डांट फटकार लग रही है, किसकी तारीफ हो रही है और क्या सब चीजें हुई है शूटिंग में, जो कि आप लोग कल वीकेंड का वार, फ्राइडे का वार देखेंगे, उसके बारे में जानकारी मैं लगातार आज अपने वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचाती रहूंगी। इसी दौरान ही सुबह अलार्म बजा, सुबह अलार्म बजते ही जो है सब लोग घर वाले उठे और उससे पहले ही जो है अलार्म सुनने के बाद जो है अंकित भी उठ के बाहर आ गए थे और बाहर आने के बाद जहां पर बेड है वहां पर लेटे हुए थे। इसी बीच में अलार्म जो है लगातार बजता रहा, कुछ लोग आ गए थे, कुछ लोग अभी तक नहीं आए थे। अंकित वहीं पर लेटे हुए थे और जैसे ही सुम्बुल अंकित को देखती है कि अंकित लेटे हुए हैं, सुम्बुल उनके पास जाती है और अंकित को जो है बार बार उठाती है, चलो उठो एंथम के लिए लाइन में खड़े हो जाओ, जहां पर अंकित उठते हैं और लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं। हालांकि सुबह सुबह जो काफी ज्यादा सुस्ती होती है, किसी का उठने का मन करता है, किसी का उठने का मन नहीं करता है, पर ये चीजें देखने के बाद मेरे मन में एक ही सवाल आया कि अंकित जो है इस वक्त घर के कैप्टन हैं, राजा हैं, उनको इस तरीके से बैठना नहीं चाहिए क्योंकि उनके ऊपर ये सब चीजें बैकफायर कर सकती है। हालांकि आपके क्या विचार है आप भी बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।